मैं डॉक्टर दीपक बहरानी पिछले 35 सालों से डायबिटीज के मरीजों का इलाज कर रहा हूँ। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसुलिन पेनक्रियाज से कम बनता है और मसल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण मसल में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। प्रायः 2 डिफेक्ट्स पहले बताए जाते थे, अभी बहुत सारी नई नई जानकारियाँ डायबिटीज़ के बारे में मिल रही हैं कि डायबिटीज़ जो ओमनियस ऑक्टेट है, हार्ट डिफेक्ट्स के कारण डायबिटीज़ होता है जिसमें लिवर, पेनक्रियाज, मसल्स और फैट सेल्स का बहुत बड़ा रोल है। डायबिटीज़ में बहुत सारी नई ड्रग्स आ गई हैं जैसे SGLT2 इनहिबिटर्स, GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग और सिटाग्लिप्टिन, नए नए इंसुलिन आ गए हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ का इलाज बहुत आसान हो गया है। तो डायबिटीज़ से डरना नहीं है, हम डायबिटीज़ को जीत सकते हैं और 80 साल तक जी सकते हैं। डायबिटीज़ में पहले कहते थे कि सिर्फ शुगर को ध्यान में रखो, पर अभी कहते हैं कि शुगर नहीं, हार्ट पे ध्यान रखो, ग्लूकोज सेंट्रिक से वेट सेंट्रिक की तरफ बढ़ें, वजन को कंट्रोल में रखें, ऐसी दवाइयों का यूज़ करें जिसमें किडनी और हार्ट की रक्षा हो सके। और ऐसी दवाइयाँ हैं SGLT2 इनहिबिटर्स और GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग, सेमीग्लूटाइड जो नई ड्रग आई है, ये हार्ट और किडनी और वजन पे बहुत अच्छा प्रभाव डालती है, इसलिए आजकल जो पुरानी दवाइयाँ हैं उनसे हटके नई नई दवाइयों का यूज़ हो रहा है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बताया जाता है कि डायबिटीज़ में अगर पहले साल में शुगर को अच्छे से कंट्रोल किया जाए तो आगे 10 साल बाद तक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक का खतरा करीब 67% घट जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि फर्स्ट ईयर में ही डायबिटीज़ को गुड कंट्रोल में रखना जरूरी है, जिसको हम लोग लीगेसी इफेक्ट कहते हैं। जिसने पहले साल में डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल करी, उसके आने वाले 10-20 साल अच्छे से गुजरेंगे, उसको स्ट्रोक और हार्ट अटैक नहीं होगा, ऐसे स्टडीज़ बताती हैं। अच्छे से कंट्रोल करने के लिए पहले हम क्या करते थे कि 3 साल तक क्लिनिकल इनर्शिया के कारण दवाइयों को बढ़ाते नहीं थे। अब ये कहा जाता है कि अर्ली कॉम्बिनेशन थेरेपी, ट्रिपल थेरेपी, डुअल थेरेपी पहले 3 महीने के अंदर ही शुरू कर दीजिए। ट्रिपल थेरेपी आप जैसे सिटाग्लिप्टिन के साथ डापाग्लिफ्लोजिन और उसके साथ मेटफॉर्मिन, ये तीनों ड्रग अगर पहले ही शुरू के 3 महीनों में शुरू कर दी जाती हैं तो गुड कंट्रोल को अचीव करना हमारा एम है, जिसके कारण हम लीगेसी इफेक्ट का फायदा ले सकते हैं और आने वाले 10 साल बाद स्ट्रोक और MI कंसीडेंस 65% तक घटा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गुड कंट्रोल इन फर्स्ट ईयर, सो हिट हार्ड एंड हिट अर्ली। सो अर्ली कॉम्बिनेशन थेरेपी हैज बीन अप्रूव्ड बाय वेरीफाई स्टडी। दूसरा, नए नए चीज़ें आ गई हैं। पहले ब्लड शुगर कंट्रोल करते थे, ग्लूकोमीटर से घर में चेक करना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे पास 14 दिन तक कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर की सुविधा आ गई है, जिससे आपको कब हाइपो, कब हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, कब शुगर 40 हो रही है, कब शुगर 400 हो रही है, ये पता चल जाता है। तो उसके कारण हम आपकी बहुत अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं, जिसको हम टाइम इन रेंज बोलते हैं कि आपकी शुगर कितने घंटे तक कंट्रोल में रही, कितने घंटे हाइपोग्लाइसीमिया रहा, कितनी देर आपको हाइपरग्लाइसीमिया रहा, जिसको टाइम इन रेंज बोलते हैं। पहले HbA1c को कंट्रोल करने के पीछे पड़े थे, अभी टाइम इन रेंज के पीछे पड़े हैं कि आपकी शुगर मैक्सिमम टाइम रेंज में रहे, यह प्रयास किया जाता है दवाइयों को रीसेट करके। तो डायबिटीज एक ऐसी चीज है जो कि किडनी, हार्ट और आंखों को असर डालती है। आप ऐसी डाइट लें, डाइट के बारे में कहा जाता है कि ग्लूकोज को कम से, कार्बोहाइड्रेट को कम से कम लीजिए, प्रोटीन बढ़ाइए, जिससे आपकी जो है शुगर कम रहेगी ग्लूकोज ब्लड में, तो किडनी और हार्ट पे कम असर रहेगा। तो वी कैन रिवर्स डायबिटीज, डायबिटीज रिवर्सल, डायबिटीज रिमिशन के लिए नए कंसेप्ट आ गए हैं, जिसमें कहते हैं कि प्रोटीन को घटाइए, प्रोटीन को बढ़ाइए और कार्बोहाइड्रेट को घटाइए। अगर आप 10% वेट घटा लेंगे तो आप डायबिटीज रिमिशन में जा सकते हैं। सो वेट कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय डाइट एंड एक्सरसाइज। अगर आप 10-20-30 मिनट एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी HbA1c घटेगी, आपका वेट घटेगा, आपकी शुगर घटेगी और आप स्वस्थ हार्ट और स्वस्थ किडनी के साथ जी पाएंगे। सो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, मोटापा, शुगर सभी को कंट्रोल में करने के बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। डायबिटीज लोग ये कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छे से जी सकते हैं। तो अपना ABCDEF ठीक रखिए, ए आपका HbA1c ठीक रखें, ब्लड शुगर ठीक रखें, कोलेस्ट्रॉल ठीक रखें,
डाइट पर ध्यान दें, एक्सरसाइज पर ध्यान दें, अपने फुट केयर करें, तो ABCD को ठीक रखेंगे आप 100 साल तक अच्छे से बिना हार्ट किडनी को नुकसान पहुंचाए जी सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि यंग लोगों को 45 ईयर्स में हार्ट अटैक हो रहा है, 45 ईयर्स में स्ट्रोक हो रहा है। तो इस सब का कारण यह है कि लोगों की इरेगुलर लाइफस्टाइल है, नींद अच्छी नहीं ले रहे हैं, रात को 2 बजे सोते हैं, व्हाट्सअप ज़्यादा चलाते हैं। तो व्हाट्सअप डिटॉक्स करने का प्रयास करें, 11-12 के बाद व्हाट्सअप न चलाएं, 11 बजे सो जाएं, अच्छी 8 घंटे की नींद लेंगे, स्ट्रेस घटाएंगे, आपकी डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल होगी। जय हिंद, जय भारत।